सिफ्रा, सिफ्रा मासी, इसको डॉक्टर के पास लेके। Hey guys, welcome to my channel. So I'm here with a new reaction video. जो नया मूवी आ रहा है शाहिद कपूर का, ये नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये जो ट्रेलर निकला है ऑफिशियल ट्रेलर, पहले वो देख लूँ फिर बताती हूँ मूवी कैसा क्या है क्या नहीं। बट या शाहिद कपूर की मूवी है तो आई होप फुली बहुत ही अच्छा होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं देखना ट्रेलर। सारी लैंग्वेजेस बोल लेती है। सिफ्रा वर्सेस द क्लासिक इंडियन फैमिली। हाय शर्मिला, ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? मम्मी अमेरिका से है ना। अमेरिका से? धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे हाँ, मैं कल आ रहा हूँ इसको लेके, आप सारी बातें कर लेते। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू। गोरी चिट्टी है ना, वो अमेरिका से है ना मॉम। ये दोनों हाथों से खाना बना लेती है। वो अमेरिका से है ना। अमेरिका से है ना। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मासी, मुझे आपको किसे मिलाना है? हाय, आई एम सिफ्रा। आर यू क्रेजी? सिफ्रा, सिफ्रा मासी, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसकी बैटरी डेड है, टाइम लगेगा चार्ज होने। साउथ से हो जी आप? She's dead. मेरे मन में सिफ्रा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, और ये जानने के बाद भी कि वो रोबोट है वो जान ही रही है। एक बात पूछूं, रोबोट होना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर तेरी बातों में समझा जिया। आज तो लग रहा है पूरे दिल्ली में आग लगा देगी तू। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? नहीं नहीं सिफ्रा, वो ऐसी मजाक कर रही है। ओ जोक। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसका मतलब ट्रेलर से अभी पता चल रहा है। ओ बर, ये मूवी मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा हिट होगा। आई फील लाइक, आई मीन इट्स अ कॉमेडी मूवी, थोड़ा सा आई मीन मारपीट तो रहेगा ही, ऑब्वियसली इंडियन मूवी है उसमें मारपीट रहता ही है थोड़ा। लेकिन ये क्या हो गया, सारी लैंग्वेज बोल लेती हो, हर तरह के खाना बना लेती हो, पहली बार सिगरेट पीती हो, बट यू डोंट काफ, तुम खांसती नहीं हो। क्या लाइन है, क्या लाइन है। ऑब्वियसली लोग सोचेंगे सच में पहली बार जो सिगरेट आई मीन टेस्ट करते सब खांसते ही है, पर ये नहीं खांसी। ओके और उससे पहले ये मैं तो बोलना ही भूल गई, शाहिद कपूर है इसमें, कृति सनन है, धर्मेंद्र जी है, डिंपल कपाड़िया जी है, और डायरेक्टेड बाय अमित जोशी एंड आराधना शाह। और ये जो मूवी प्रोड्यूस किया है दिनेश विजैन ने, ये जो स्त्री मूवी ज़रा हट के ज़रा बच के लुका छुपी मूवी जिन्होंने बनाया है, उसी जन ने ये भी बनाया है। सो मुझे तो मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आई मीन शाहिद कपूर जिस मूवी में होता है, आई मीन 90% मूवी अच्छा होता है।
और इसमें कृति सनन भी है, इसमें ये पता चलता है कि शी इज अ रोबोट, या इट्स शी इज अ रोबोट। पहली बार आई थिंक नहीं, रोबोट मूवी तो आया है पर पहली बार थोड़ा सा कॉमेडी वाला रोबोट देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा उसमें मारपीट है वो उसको आप छोड़ ही दो, पर ये पूरा मूवी भी कॉमेडी है जो मुझे बहुत पसंद है, कॉमेडी रोमांटिक वाला। एंड मतलब मैं क्या बोलूँ, वो एक और लाइन है, अमेरिका से आई है, हर जगह अमेरिका से आई है, आई मीन अलादीन की चिराग है वो। फिर एक और लाइन था, दिल्ली जलाने वाली बात, तो मैं क्या दिल्ली जला दूँ। फिर शाहिद कपूर आता है और बोलता है कि नहीं नहीं जलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है उसका नाम पूछा, उसने बोला सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन, ओ माय गॉड। फिर बोलता है कि आप साउथ से हो क्या, मतलब ये वाले तो मस्त था। लेकिन जब डिम्पल कपाड़िया जी ने उसको बोला, मैं भी शाहिद कपूर को लगा कि उसको कुछ हो गया है, और डिम्पल कपाड़िया जी ने आके उसको हाथ में चार्ज किया, तो शाहिद का मुंह देखना था एक अजीब, मतलब फनी शॉक्ड में था, मैं भी शॉक्ड में आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर एक और लाइन है जिसमें कृति सनन ने बोला रोबोट होना गलत चीज़ है क्या, तो आपको फिर से शाहिद कपूर का रिएक्शन देखना चाहिए था, मुझे क्या हंसी आ गई उसका एक्सप्रेशन, मतलब वो क्या बोले, हाँ या ना क्या बोले, और ऊपर से उसको प्यार हो गया। इम्पॉसिबल लव स्टोरी या पॉसिबल होगा कि नहीं वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, बट एक्चुअली इन इम्पॉसिबल लव स्टोरी रोबोट के साथ अगर प्यार हो भी जाए, उसने किस किया, सब कुछ किया जो भी है, पर सच में आई मीन कि रोबोट के साथ आप रह सकते हो क्या लाइफ टाइम, वही है ये स्टोरी, रह सकते हो क्या। पर शाहिद के यहाँ पर जब दिखाया वो इंडिया आई अमेरिका से, तभी भी उसको पता नहीं चला कि शी इज़ अ रोबोट शाहिद कपूर को। उसके फैमिली लोगों के सामने वो सुपर फास्ट सब कुछ कर रही थी, आई मीन जो कर रही थी उनको लग रहा था शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, दैट्स वाई शी इज़ डूइंग दैट वे। वो डांस कर रही है पूरा बेंड होके, सब देख रहे हैं, आई मीन। फिर एक जगह है हमारी वो बहू को उसने बोला हरामी बहू, वो और एक और लाइन मस्त था, मतलब यहाँ पर वन लाइनर बहुत अच्छे अच्छे है, और शाहिद के एक्सप्रेशन तो मस्त है, मतलब मुझे खुद हंसी आ रहा था। पर आई मीन टू से द मूवी इज लाइक अ सिंपल लव स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन एंड अ रोबोट। अब ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा तो मूवी के देखने के बाद ही पता चलेगा, एंड आई डोंट नो और ट्रेलर या कुछ आएगा कि नहीं, बट ये ट्रेलर तो मज़ेदार था, मज़ेदार मतलब मज़ेदार था। और ये मैडॉक फिल्म्स का है, एंड हाँ ये रिलीज कब होने वाला है, 9 फरवरी को होने वाला है, नेक्स्ट मंथ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो गाना भी सुंदर है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, आई मीन ये गाना हाँ सबको पता है। और म्यूजिक किसने दिया है, तनिष बागची एंड सचिन जिगर मित्राज। मुझे लग रहा है मूवी बहुत ही अच्छा होगा, मुझे तो फीलिंग अंदर से आ रही है। दिस इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, मतलब आप सोचो ये रिलीज हुआ 18 जनवरी को और ट्रेंडिंग में है अभी तक वन पे, क्योंकि ये उसका मतलब ट्रेलर अलग है, आई मीन आपको वो नहीं करेगा कि लाइक वोट नहीं करेगा ये ट्रेलर। गाना वाला तो मुझे लग ही रहा है अच्छा है, फिर से ग्रीस वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, अभी हर मूवी से ग्रीस वाले क्यों फीलिंग आ रहा है, मुझे ग्रीस बुला रहा है लग रहा है, ग्रीस जाना पड़ेगा मुझे। बट एनीवे आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई रिएक्शन, जेन्युइन रिएक्शन देती हूँ जितना हो सके, मैं कोशिश कर जा रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैंने बोला आपको मैं सीख रही हूँ अभी भी। So guys, that's all for today's video. We'll be back with a new video. Till then, subscribe to my channel, like my channel, comment on my video, click on the bell notification and follow me on Instagram. See you next week. Bye!